पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हजबा के जज्बे को देखकर सरकार भी झुक गई। आज के आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि क्यों सरकार ने हरे काला हजबा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल भलाई का जमाना नहीं है बल्कि कलयुग है, और समाज में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद के बारे में पहले सोचते हैं और बाद में खुद के खाने पर ध्यान देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति है कर्नाटक के दक्षिण जिले में रहने वाले हरे काला हजबा। इनकी अच्छाइयों के सामने सरकार को भी घुटने टेकने पड़े। हजबा फल बेचने का काम करते हैं और एक दिन वे अपने ठेले पर फल बेच रहे थे। इतने में ही एक विदेशी कपल उनके ठेले पर संतरे खरीदने आया और इंग्लिश में उनसे बात करने लगा, लेकिन हजबा को उनकी बात समझ में नहीं आई और उनकी बिक्री होते होते रह गई। इसके बाद हजबा को अंदर से बहुत बुरा लगा और उन्होंने ठान लिया कि मैं नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ, दूसरे बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद करूंगा। हजबा ने शुरू में गांव वालों की मदद लेकर मस्जिद में स्कूल चालू कर दिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था और उसके बाद हजबा और गांव वासियों ने जिला पंचायत कार्यालय को लेटर लिख गांव की पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए मांग करी और 2008 में उनकी मेहनत रंग लाई। 2008 में हजबा और गांव वासियों की आंख में आंसू भर आए जब उनके छोटे से गांव नयापुडु, जो कि दक्षिण के कन्नड़ जिले में स्थित है, उसमें 14वां उच्च माध्यमिक स्कूल का निर्माण होने लगा और हजबा का नाम शनिवार को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया। यह सुनकर हजबा दंग रह गए। पद्मश्री देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है जो सरकार के द्वारा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को बहुत ही अच्छे काम या देश की सेवा करने के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड बहुत खिलाड़ियों, बॉलीवुड स्टारों को भी मिला है और अब इसमें हरे काला हजबा का नाम भी शामिल हो गया है।